मैं इससे कैसे जुड़ा और जुड़ने की खास वजह जो गरीबी के तबके से आए हुए लोग होते हैं वो समझ सकते हैं कि व्यापार का हर जो जो तरीका है और ख़ास तौर पे वो जो नया सिस्टम से है वो बहुत महत्वपूर्ण है ये नया सिस्टम शुरू हो रहा और मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि रिटेल और कलाकार इसके बीच में जब टेक्निकलिटी आ जाती है तो बहुत कामयाब होती है कई लोग कह चुके हैं जिस वक्त टेलीविज़न आया था तो लोग कहा करते थे उसे पता नहीं अजीब अजीब शब्द इस्तेमाल करते थे कि इडियट बॉक्स है और ऐसे वैसे परंतु आज चाहे जो बिजनेस आगे निकलता है कहीं ना कहीं तो उसमें टेलीविजन का माध्यम होता है या प्रेस किसी न किसी तरीके से अभी तभी व्यापार आगे निकल पाता है जिस वक्त कलाकार और व्यापार के बीच में टेक्निक टेक्निकल तरीका आ जाता है तो ये टेक्निकल तरीका है और इससे बहुत सारे मासिस के लोग खास तौर पे जिसे हम शास्त्र शास्त्रशु, शुद्ध हिंदी भाषा में कहें तो किराना माल के दुकान वाले <laughs> ये लोग जो है ये जुड़ पाएंगे उन सभी स्टार्स से जो उनकी रीच के बाहर है जी। तो ये एक टेक्निकल तरीका है जिसमें लोग जुड़ें और इस वजह से और भी बहुत सारे ऐसे व्यापार के टेक्निकल तरीके और आ जाएंगे जो मुझे लगता है कि फ्यूचर के लिए और नए नए अपॉर्चुनिटीज़ अपॉर्चुनिटीज़ बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मैं कहूँगा कि आगे देखेंगे आप लोग और ये टेक्निकल तरीके जो है और ऐसे आए और व्यापारी और आगे निकले ये सुखद है क्योंकि हम कलाकार हों चाहे जो जहाँ का जैसा कलाकार हो वो तभी आगे निकल पाता है जिस वक्त व्यापारी आगे निकलता है तो मैं धन्यवाद देता हूँ कि मैं इसका हिस्सा हूँ और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि ख़ास तौर पे जो वो लोग जो बहुत ही आतुरताओं से देखने लगते हैं कि भाई हमारा बिज़नेस बहुत बड़ा नहीं है हम किसी सितारे से कैसे जुड़े तो वो लोगों के लिए ये बहुत ही आ, मुझे लगता है कि सुखद और नया माध्यम है और आ, मुझे ये टाइटल बहुत अच्छा लगा ये सुपर डुपर धमाका सुपर डुपर धमाका विद रेडियो विद गोविंदा विद टेक्निकलिटी आई लव दिस तो मुझे बहुत अच्छा लगा ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आप लोग जैसे कामयाब हैं सदैव रहें और बहुत से अच्छे अच्छे नए उभरते हुए कलाकार हैं वो भी इसका आनंद ले पाए कि बहुत से जो किराना माल के जो जो लोग समझते हैं कि हम नहीं रीच कर पाएंगे अब कैसे जुड़े हैं किसी सितारे से नहीं जुड़ पाएंगे शायद वो लोगों के अंदर जो दिल में जो है चाह है उसे भी नहीं राह मिल जाएगी मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आप बहुत कामयाब हो मै गॉड गिव यू लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ सक्सेस किसी की भी स्टार के स्टारडम में सिर्फ उसी का योगदान कहेंगे आप कि उसी का हुआ करता है तो ये बहुत मुझे लगता है कि ना इंसाफी हो जाएगी वो लोग के साथ जो स्टार्स को स्टार्स बनाने में उनका सहयोग करते हैं खास तौर पर टेक्निकल डिपार्टमेंट वाले डायरेक्टर्स और हर वो जुड़ा हुआ व्यक्ति जो साथ में उसे स्टार की तरह पेश करने में कामयाब करता है जैसे हम दक्षिण की तरफ देखें साउथ में तो शुरू शुरू में लोग कैसे कहा करते थे उनके मतलक परंतु आज हम देख पा रहे हैं कि जो स्टार्स वो लोग प्रेजेंट करते हैं वो एक पूरी पूरी स्टेट कहिए या कंट्री कहिए वो वो लोगों के लिए एक उदाहरण हो गए हैं और बहुत महत्वपूर्ण है कि ऐसे कई उदाहरण अलग अलग क्षेत्र के हम अलग अलग क्षेत्र में देखने के योग्य हो जाए बजाय इसके कि लोग हमारी तरफ देख के मजाक उड़ाना शुरू कर दें बजाय इसके की तरफ हमारी तरफ़ देख के लोग ये कहें कि ये लोग उस तरह की क्रिया नहीं कर पाएंगे इस तौर तरीकों के वजह से मुझे ऐसा लगता है कि ये लोग समझ पाएंगे कि जो स्टार्स हो जाते हैं उनके पीछे कई लोग जो होते हैं वो लोगों का बड़ा बड़ी शक्ति और योगदान होता है वो लोगों का साथ होता है।, है।, है तो मैं पहले तो धन्यवाद देता हूँ वो लोगों का और मैं ये जो इसके लिए तैयार हो गया मैं उसकी सबसे महत्वपूर्ण जो मतलब वार्ता है मैं अब कह रहा हूँ कि मुझे आपकी पेशकश पे ज़रा भी मुझे ऐसा लगता नहीं है कि वो कहीं ना कहीं ये लोग मिस्टेक करेंगे या हमारी प्रेजेंटेशन करेक्ट नहीं होगी जो आप एक विश्वास करने योग्य आप ऐसे बहुत से कम लोग होते हैं जो आप कहें कि अगर समझ लीजिए कि कहीं किसी आर्टिस्ट की तरफ से वो परफेक्ट ना भी हो तो टेक्निकली उसे अच्छे से पेश करने की जो शक्ति है वो आपकी बिग एफ के पास पक्का मैं मैं कह पाता हूँ कि इतने सारे नए कलाकार आते हैं और आप लोग जैसे पेश करते हैं मैं ये मैं, मैं देख रहा देखा है हम लोग वर्षानुवर्ष और इन फ्यूचर भी देखेंगे मेरा ऐसा सोचना है कि मैं उस वजह से आप लोगों के साथ जुड़ा पेशकश के सिवाय किसी भी कलाकार की क्षमता जो है उस जगह पे नहीं पहुंच पाती वॉट एवर मेक्स यू फेमस इन विचुअल सोर्सेज यू वॉन्ट टू बी बी कनेक्टेड विद बिजनेस तो यू शुड बी थैंकफुल एंड ये तो मनोरंजन के माध्यम से शुरू हुआ था तभी लोगों ने शायद ही सोचा था कि ये इतना बड़ा विषय हो जाएगा और आज कैसे कैसे कलाकार निकलते हैं जो टॉप पे आ जाते हैं गली कुचों से देश से निकलते हैं पूरे दुनिया में ऐसे प्रसिद्ध हो जाते हैं कितना अच्छा लगता है तो वजह तो यही लोग हैं तो मुझे मैंने बड़ा स्ट्रगल किया है जहाँ मैं अपनी माता के साथ वो तानपुरा और बाजा ले, ले के साथ साथ में घुमा हूँ तो इनके ऑफिसिस के बाहर हम लोग जिस वक्त रहा करते थे तभी आकाशवाणी उस तरफ जाया करिए आप तो बहुत समय लगता था अगर साहब अभी बिजी है मिलेंगे नहीं टाइम लगेगा तो तीन चार घंटा हम लोग बाहर बैठे रहते थे तो आज तो अच्छी आवाज़ आई कि वो लोगों की तो निकल पड़ती है कहाँ कहाँ से स्पॉन्सर मिल जाते हैं कैसे कैसे लोग मिल जाते हैं आप ही लोगों की वजह से मिलते हैं तो वी शुड भी थैंकफुल टू दैम ना धन्यवाद देता हूँ मैं तो ऐसे लोगों का जो जो स्ट्रगल करेगा उसको सीट भी मिल जाती है लोकल ट्रेन में तो उसका वो उसे भी कहता है कि यार भैया बहुत बढ़िया है बहुत धन्यवाद आपका अच्छा है मैं बहुत ही गरीबी के तबके से आया हूँ हालांकि मेरी माता जी आदरणीय निर्मला देवी जी का बहुत नाम रहा एज ए क्लासिकल आर्टिस्ट तो हमें हम खाना खा पाए और ऐसी उसकी कभी तकलीफ़ उस तरह से नहीं हुई हमें परंतु छोटा परिवार में होने के नाते मैं हर किराना माल की दुकान के बाहर जाके खड़ा रहता था और क्योंकि हम उधार का पैसा नहीं दे पाते थे तो मुझे बहुत देर तक खड़ा रखा जाता था तो मैं तीन घंटा चार घंटा पाँच घंटा बाहर खड़े हैं अरे सेठ जी अरे यार दे दो यार काफ़ी देर से मैं खड़ा हूँ अभी मुझे ये काम है उधर वो करना है पढ़ाई करेंगे यह करना है खेलना है वगैरह खड़े रहो खड़े रहो खड़े रहो अभी तुम्हारा पा पैसा आया नहीं है कितना टाइम महीना हो गया कितना महीना हो गया है इसका वो निकालता था हिसाब निकालता था तो ऐसे में आप समझिए कि हर वो चीज हेलो प्रणाम अच्छा फ़ोन पे है फाइन तो मैं ऐसे में समझिए आप कि मुझे लगता है जो ऐसे तबके से आगे आए हुए होते हैं लोग जो आगे आए होते हैं जो गरीबी के तबके से मुझे लगता है कि वो तो जो मिल जाए जो मिल जाए जहाँ मिल जाए बहुत शुरू शुरू में लगता है कि सलाह डिप्लोमेट आदमी है बहुत ख़तरनाक है हर जगह तारीफ़ किए जा रहा है परंतु सच तो यही है कि आप वो याद करते हैं तो आत्मा काँप उठती है और डर लग जाता है हाँ तो कष्ट होता है तो मुझे ऐसा लगता है कि जिसके लिए लोकल ट्रेन में कैसे घुसे फिर कैसे बाहर आए फिर चढ़ते समय ऐसा लगेगा कि अलग एक्सीडेंट हो गया तो फिर वो गया था वो आया क्या फिर वो बुज़ुर्ग है तो बच्चा वहाँ पहुँचा तो वो बच्चा वहाँ पहुँचा तो कैसे पहुँचा तो जो चढ़े कैसे उसमें कैसे बाहर आए ये लोग जो समझते हैं वो हर चीज़ का धन्यवाद देते हैं अब मेरी नेचर तो ही है और मैं मुझमें से वो क्या है? वो गरीबी की बू जो है <laughs> वो टाइम ले रही है कि वो बाहर निकले पर आई शुड बी आई फील कि हाउ यू कम आउट ऑफ इट देर इज साम्बाड़ी हु गिव्स यू न्यू चांस देर इज सभाड़ी फॉर यू आर वेटिंग फॉर तो यू शुड बी थैंकफुल फू दैम आई थिंक मैं ये बिग एफ एम का और अभी इसका धमाका ये जो सुपर टूपर धमाका है आ, मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ कि मैं इससे जुड़ पाया आप लोग आए